अर्चना त्रिपाठी द्वारा वॉल्ट विटमन की कविताओं का हिंदी अनुवाद उनकी पुस्तक गीत पंखी से। पहली कविता सुने। नगाड़े शहनाई और धुंधबी बजाता मैं आता हूँ, मेरी धुनें विजेताओं के लिए नहीं है, मैं हारी हुई सेना और सैनिकों के लिए गाता हूँ। प्रति सुबह सूर्य का आरोहण विजित राज्यों के आलिंगन से कम नहीं, गिरने और हारने में कोई बुराई नहीं, जय और पराजय में संभाव रखना चाहिए। मैं जीवन और मृत्यु दोनों का पुजारी हूँ, मैं मृतकों के लिए उत्सव मनाता हूँ, नाचता हूँ, अपने कंठ के मधुरतम स्वर उनके लिए गाता हूँ, मैं हारे वो की जय जयकार करता हूँ, समुद्र में डूबे जहाज़ों और मल्लाहों और सैनिकों के लिए मैं तोरण बांधता हूँ, रंगोली सजाता हूँ, पराजित योद्धाओं के लिए मेरे मन में इज्जत है, इसीलिए कि वे योद्धा थे, जुझारू थे और जब पाने वालों से किसी भी तरह कम नहीं थे, जय पाने वालों से किसी तरह कम नहीं थे, मैं उनके सम्मान में खड़ा होकर सलामी देता हूँ। और एक कविता सुने कि किसी भी रूप में होने का क्या अर्थ है, हम सब एक व्रत में घूम रहे हैं, बार बार घूम कर फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी। कठोर आवरण में छिपे बीज में अधिक विकासमान और संवेदनशील कुछ नहीं है, मेरे भीतर कोई आवरण नहीं है, मेरे भीतर कोई तत्व है, मैं जहाँ भी जाता हूँ जो कुछ भी करता हूँ यह मुझे बराबर निर्देश देता रहता है। यही तत्व हर बुरी चीज़ को मुझ तक आते जाते रोक देता है और जो मेरे लिए लाभदायक है उसे मुझ तक पहुँचा देता है। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, मैं इस तत्व को महसूस करता हूँ और प्रसन्न होता हूँ, अपने भीतर के व्यक्ति का यह परिचय मुझे आह्लादित करता है। और एक कविता सुने कि बार बार होश में लाकर फिर चेतना शून्य करने वाले पंखड़ियों की कोमलता और नुकीले दांतों की चुभन एक साथ समेटने वाले वो मादक स्पर्श, क्या बिछोड़े वे तुम्हें भी मेरी तरह दुख किया है, क्या बिछोड़े वे तुम्हें भी क्या मेरी तरह दुखी किया है। बिछोड़ा ही तो मिलन का एकमात्र रास्ता है, अरसे बाद मिलने पर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, आँखों की बरखा मन की धरती को पहले से ही ज़्यादा हरा और भरा बना देती है, धरती की छाती फोड़कर अंकुर निकल आते हैं, खेत वसंत की स्वर्णिमा लिए झूम उठते हैं, खेत वसंत की स्वर्णिमा लिए झूम उठते हैं। धन्यवाद मित्रों।